थे मैंने आपको कहा तो राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, सम्मानित नेता है, एसेट है, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर वन कह देता कोई आदमी, नंबर टू कह देता, नंबर थ्री कह देता, और ये हमारे नंबर वन टू थ्री है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेतृत्व जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूँ देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा, क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी और देश एक लगा अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर, तो ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर है। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हम चाहेंगे कि पार्टी का जो कारोबार चल पड़ा राहुल जी के साथ में आगे बढ़े। देश के अंदर कांग्रेस का रुतबा जो था पहले पुनः कायम होगा, क्योंकि कांग्रेस का और देश का डीएनए एक है। उसी रूप में ये जो ताकते हैं फासिस्टी जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र का चेहरा पहन करके मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम भी यात्रा के बाद में भी हम लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद।